नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारी वीडियोस हिंदी में भी अवेलेबल रहा करेंगी। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। एंड इंग्लिश स्टूडेंट्स, आप वरी मत करिए, आपको इंग्लिश में भी मटेरियल मिलता रहेगा कंसेप्चुअली हमेशा, जैसा कि आपको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूं तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? सही बताया, सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, फुटबॉल से है। DCM काफ़ी अच्छा इन्विटेशनल टूर्नामेंट फुटबॉल का, इंडिया में आयोजित होता है। सेकेंड क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो कल मैंने आपको ये बता दिया था कि इसे कौन देता है। तो कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं, और इंग्लिश में हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी रामनाथ कोविंद जी हैं। और तो ये कब प्रारंभ कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, तैराकी से, या इनमें से कोई नहीं? तो सही बताया आपने, बॉक्सिंग से है। आपने देखा होगा जैसे ये दो प्लेयर हैं, ये सामने हैं, ये बॉक्सिंग खेल रहे हैं, तो ये जो इस हाथ से या किसी भी हाथ से ये जो कट ले गया, ऐसे इसके चिन्ह में मारेगा, मतलब कि आप कह सकते हैं जौ में, जबड़े में जो भी पंच मारेगा ऐसे ऊपर करके इस वे में, तो इसे हम अपर कट कहेंगे। ओके दोस्तों, याद रखें, ऐसे फिगर वाइज आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो मैं ऐसे करवा देता हूँ, पहले भी मैं ऐसे करवाता आया हूँ, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को ये अच्छे से पता होगा। तो अपर कट किस खेल में होता है? बॉक्सिंग में होता है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो कितनी क्रॉस लेंस होती हैं हमारी? 8 क्रॉस लेंस होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो कितनी क्रॉस लेंस होती हैं दोस्तों? 8। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 8 क्रॉस लेंस आर देयर इन अ हॉकी मैच, और यू कैन से कोट। फिफ्थ क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगर आप इंग्लिश में सुने तो विजार्ड होता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो विजार्ड का मतलब जादूगर होता है, आप मैजिशियन भी कह सकते हैं। तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? सही बताया आपने, मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है? तो 29 अगस्त, और कल आपको बताया था 29 अगस्त को क्या होता है हमारा? स्पोर्ट्स डे। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करते हुए चलेंगे हिंदी में भी, स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस। सिक्स्थ, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? तो 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है हमारा? बास्केटबॉल से। ठीक है दोस्तों, सेवन्थ क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही बताया आप दोस्तों ने, आइस हॉकी। ओके दोस्तों, बर्फ़ पे खेले जाने वाली हॉकी, एक होती फील्ड हॉकी, एक होती आइस हॉकी। एट क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन किस भारत के किस राज्य से में हुआ? तो पोलो खेल आपको पता होगा, घोड़े के ऊपर सवार होकर जो खेला जाता है, तो किस खेल से किस राज्य में हमारा ये प्रारंभ हुआ था? तो सही बताएं, मणिपुर में। ओके दोस्तों, मणिपुर में। नाइन्थ क्वेश्चन, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो शतरंज खेल का जन्मदाता मतलब कि इसका बर्थ कहाँ पे हुआ था, किस देश ने करा था? तो सही बताया आपने, भारत ने करा था, इंडिया ने। और शतरंज हो गया हमारा, कबड्डी हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, खो खो हो गया, तो इन तीन खेलों का जो बर्थ है वो हमारा किस में हुआ है? भारत में। ओके दोस्तों, शतरंज, कबड्डी, खो खो। टेंथ क्वेश्चन, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 9 होती है। ओके, इलेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सा गेम है जिसमें गेम एक ही गेम में मेल्स भी खेलेंगे और फीमेल्स भी खेलेंगे, मतलब कि महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होंगे? तो बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कॉर्फबॉल या हैंडबॉल? तो सही बताया सी, कॉर्फबॉल हमारा सही है। 4 हमारे मेल होते हैं और वुमेन कितनी होती हैं हमारी? 4, दोनों इक्वल होते हैं, 4 वुमेन और 4 मेल्स, मतलब कि 4 पुरुष और 4 महिला।
ठीक है दोस्तों। और ये बास्केटबॉल और नेटबॉल जैसा ही होता है, बस नेटबॉल की जो रिंग होती है उसमें नीचे कपड़े का नेट लगा होता है, इसमें नेट नहीं लगा होता है, मेजर डिफरेंस ये भी है एक। 12th, किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो इंटरनेशनल फुटबॉल मैच की अगर हम टाइमिंग देखें तो कितने टाइम का होता है? सही बताया, 90 मिनट्स का होता है, 45 मिनट्स ईच होता है, हाफ हाफ का। ठीक है दोस्तों। 13th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सर्गी बुबका को कहा जाता है पोल वॉल्ट का बादशाह। 14th क्वेश्चन, कल मैंने आपसे पूछा था किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो कब जीता? 1928 में जीता। लास्ट कब जीता था? कल मैंने करवा दिया था आपको, 1980 में जीता था। 1980 कहाँ पे हुआ था? मॉस्को में हुआ था। 1928 कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। ओके दोस्तों। 15th क्वेश्चन, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? तो अगर ये हमारा बैट है तो ये जो लंबाई है ये कितनी हो सकती है, मैक्स मतलब किस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? तो सही बताया, सी आंसर करेक्ट है यहाँ पे, 38 इंच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई विश वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका जो भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस कमेंट पे ज़रूर गौर फरमाया जाएगा। अपने थॉट्स ज़रूर लिखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।